दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, मेंटेनेंस को कब पति नहीं दे सकता है, कौन सी ऐसी वजह होती है जहाँ पे पति मेंटेनेंस से बच सकता है, अन्यथा जिस दिन शादी कर लेता पति उसी दिन जो मेंटेनेंस की बीमारी होती है वो कभी भी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन मैट्रिमोनियल में जब पति और पत्नी कोई भी विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा आज के डेट पे जो दहेज केस होता है, डोमेस्टिक केस होता है, इन केसों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो मेंटेनेंस केस से लेके पड़ता है। तो कौन सी ऐसी वजह होती है दोस्तों जिसकी वजह से पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है, तो आज ही इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किया था, काफ़ी लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई वो एक बार मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर, मैं उनसे बात कर लूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली तो आपको एक वजह होनी चाहिए दोस्तों। कानून में तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी भी होती हैं लेकिन वो मानने कभी भी नहीं होती है, आप ये चीज़ पहले से समझ लेना चाहिए। भाई बिना कारण से पत्नी अगर आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ें कानून में क्लियर लिखी हुई है, लेकिन ये वजह आपको सबको पता है कि बिना कारण से पत्नी नहीं भी रह रही तो भी कोर्ट मेंटेनेंस बना देता है। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो एक क्रिमिनल केस करती है, आप DV केस करती है, 498 का केस करती है, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये जानता है कि साफ प्रताड़ना हो रही महिला के, और उस चीज़ को देखते हुए मेंटेनेंस बना देता है। देखिए सबसे पहला, जॉब करने वाली चाहिए आपकी पत्नी। जी हाँ, अगर आपकी जो पार्टनर जॉब कर रहा है, पत्नी आपकी जॉब करती है, तब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन मान लीजिए पत्नी रहना चाह रही, पति नहीं रख रहा, तब आपको देना पड़ सकता है जॉब करने वाले को भी। लेकिन उस सिचुएशन में खुद रहना नहीं चाह रही है और कोई केसेस चल रहे हैं आप पे मेट्रोमोनियल के, 498 के या इस टाइप के, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मतलब बराबर की जॉब होनी चाहिए। आप 50,000 कमाते तो आपकी मिसेज 50,000 कमाती है, 40,000 भी कमाती तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50,000 कमा रही हो और आपकी पार्टनर 10,000 रुपये कमा रही है तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अगली बात में दो लीजिए, दोनों अपनी सहमति से कोई भी एग्रीमेंट बना के दूर रह रहे हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार रह रहे हैं, तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भाई दोनों चाहते हैं कि साहब हम दोनों अपने वजह से, दोनों अपने अपनी मर्जी से दूर रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, हम दोनों दूर रहना चाहते हैं, तो उसी सिचुएशन में भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन दोस्तों आ जाती है, मान लीजिए किसी के साथ आपकी मिसेज सेकंड बिना तलाक के डाइवोर्स ले लेती है, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। फोर्थ बात, एडल्ट्री में है, जारता में है अगर आपकी पार्टनर किसी के और के थर्ड पर्सन के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको कंसल्ट करना पड़ेगा दोस्तों, कहीं अभी एक लेटेस्टिंग जजमेंट आया था, यहाँ पे एक हाई कोर्ट का भी था, जिसमें क्लियरली बताया गया था कि भैया एक या दो एडल्ट्री हो चुकी है तो मेंटेनेंस को बंद नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे एडल्ट्री प्रूफ करना काफ़ी कठिन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अगली सिचुएशन मान लीजिए, कोई महिला आपसे डाइवोर्स रहना चाहती है, बिल्कुल आगे से डाइवोर्स कर देती है और आपके साथ रहना ही नहीं चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 4 या 5 ऐसी वजह है कि आपके बराबर से जॉब करने वाली होनी चाहिए, बिना तलाक दूसरी शादी कर लेनी होनी चाहिए, किसी के साथ जारता मतलब एडल्ट्री में होनी चाहिए, या जो भी वेल एजुकेटेड है, अच्छी कंपनी में है, ये चीज़ें तो कानून में हैं कि आपकी मिसेज अच्छी है, फिर भी अच्छी पढ़ी लिखी होकर मेंटेनेंस बन जाते हैं। कहीं बाई चांस कोई अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और जज साहब अच्छे मिल गए इस चीज़ को लेके हुए और आपकी बात को कंसीडर कर लिए, कानून में जो लिखा हुआ इन चीज़ों को समझ लिए, तो आपको चांस हो सकता है। आखिरी बात मैं बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके लक पे और आपके जो केस फाइट कर रहे, जो भी केस जिस भी जज के पास है उन पर डिपेंड करता है। जी हाँ, कई बार अच्छे जज होते हैं जो हर चीज़ को पूरी बारीकी से देखा जाता है कि बिना वजह से है तो नहीं दिया जाएगा, अच्छी पढ़ी लिखी है तो नहीं दिया जाएगा, डिपेंड करता है जज साहब। ये 5 या 6 वजह मैंने आपको जो बताया, यही वजह है जिससे आप मेंटेनेंस देने से अपनी पत्नी से बच सकते हो, अन्यथा आपके पास कोई वजह नहीं है। कितने आप जजमेंट निकालो, कितने आप रूलिंग निकालो, कितना कुछ भी कर लीजिए, आपको शादी कर लिया है और अगर आपके बिगाड़ हो चुका है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भैया आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो आई होप आपके जो भी डाउट था इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता तो कॉमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे।